तो आज है एक खूबसूरत सा दिन गाइस, और खूबसूरत से दिन के साथ साथ है आज एक खूबसूरत सा फेस्टिवल भी। और तुम लोग जानते हो भाई, इतने ज्यादा महीनों के बाद कोई त्योहार आया है तो हमारा तो सेलिब्रेट करना बनता ही है। बाकी आज है गाइस रक्षाबंधन, तो सबसे पहले तुम सभी को हैप्पी वाला रक्षाबंधन। फिलहाल तो तुम लोग गैस करो गाइस, ये वाली जो स्कूटी है मैं किस लिए लेकर जा रहा हूँ, सोचो सोचो कमेंट में गैस करो, वैसे थोड़ी देर बाद तुम लोगों को पता ही चल जाएगा। वैसे आज है रक्षाबंधन और मैं बहुत सारे गिफ्ट्स कलेक्ट कर रहा हूँ, और आज सुबह सुबह ही गया था मैं ये वाली स्कूटी लेने के लिए। वैसे ऐसी बहुत सारी स्कूटी मैं ऑलरेडी ले जाकर रख चुका हूँ, और ये क्या भाई रास्ते में लाते लाते स्क्रैच भी आ गए। कोई बात नहीं, होता है होता है। बाकी तो चलते हैं गाइस, और जरा देखते हैं ये शिंचन पिंचन और चौप को पता है कि नहीं कुछ रक्षाबंधन राखी के बारे में। एक सेकेंड, ओके। और भाई शिंचन पिंचन क्या हाल चाल है तुम लोगों के? अरे हमारे तो बढ़िया है यार। भाई साहब तू अपने बता यार, मेरे तो बढ़िया ही है। वैसे तुम लोगों को पता है आज क्या है? अरे हाँ यार, हमने भी सुना यार टीवी में आज राखी है। हाँ तो तुम लोगों को पता है क्या होता है आज? अरे हाँ यार बिल्कुल, वो कुछ तो होता है यार। हैं, तुम लोगों को पता ही नहीं है? अरे नहीं यार नहीं पता। चौप तुझे तो पता ही होगा। भाई साहब हाँ यार मेरे को पता है। एक्चुअली मैं इस दिन भाई बहने अपने भाई को राखी बांधती है। क्या बात है भाई चौप, डॉगी होते हुए तुझे पता है? भाई साहब कल तूने मेरे को फिर से डॉगी बोला, मतलब जानवर होते हुए भी तेरे को पता है? बिल्कुल पता होगा यार, तुम लोगों का कैसे नहीं पता बे? अरे क्योंकि हमारी बहने ही नहीं है यार, इसलिए कोई भी हमें राखी नहीं बांधता, तो पता कैसे होगा। ओके वैसे तुम लोग टेंशन मत करो, आज तुम लोग देखने वाले हो मेरी बहनों को राखी बांधते हुए। अरे तुम्हारी बहने भी है क्या? नहीं वैसे तो नहीं है, लेकिन कोई ना कोई तो बांध ही देगी मुझे राखी। अरे कौन बांधेगा यार ये तो बताओ। ये तो मुझे भी नहीं पता भाई, लेकिन मेरे को उम्मीद है कि लॉस सैंटोस में मैंने आज तक पता नहीं कितने लोगों की मदद की है, उनमें से कोई ना कोई तो बहन आएगी जो मेरे को आज राखी बांधेगी। भाई साहब कल कोई भी नहीं आने वाला। भाई कोई ना कोई तो आएगा ही। चौप ऐसे कैसे तू कह रहा है? अबे नहीं आएगा भाई मेरे को पता है। और चल बे तू पागल हो गया है, आज तक मैंने लॉस सैंटोस में बहुत सारे लोगों की मदद की है, कितने सारे लोगों की हेल्प करी है, किसी को पैसे दिए, किसी को कुछ दिया है, किसी को गुंडों से बचाया है, इतने सारे लोगों की हेल्प की है, कोई ना कोई तो राखी बांध ही देगा। अरे हाँ यार कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। ऐसे तुम लोग आओ, मैं तुम लोगों को गिफ्ट्स दिखाता हूँ। अरे तुम्हें गिफ्ट्स मिले है क्या? अबे नहीं भाई, जो भी मतलब मुझे बहने बांधने के लिए आएंगी राखी, उनके लिए मैंने गिफ्ट्स कलेक्ट किए हैं। अरे क्या बात कर रहे हो, आओ आओ दिखाता हूँ तुम लोगों को। भाई साहब चल चल दिखा दिखा दिखाता हूँ, पहले इस स्कूटी को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। अरे वाह यार स्कूटी तो काफी मस्त है। और ये कितनी सारी स्कूटी यार, हमने तो इधर देखा ही नहीं है। तुम लोगों ने देखा ही नहीं? अरे हाँ यार ऊपर से हम लोग सीधे उधर कोने में ही खड़े हो गए थे। ओ इस वजह से नहीं देखा होगा। बाकी तो गाइस चलो आ जाओ यार, तुम लोग भी देखो मेरा गिफ्ट कलेक्शन। तो यहाँ पर है अपने पास पांच पांच स्कूटी। अरे वाह यार बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रही है ये। इसके अलावा है गाइस तीन तीन बाइक्स। अरे वाह यार ये भी बढ़िया लग रही है। इसके अलावा है गाइस हमारे पास काफी सारा गोल्ड का सामान। अरे ये देखो यार गोल्ड के बिस्किट। बिल्कुल गाइस गोल्ड के बिस्किट्स भी है। फिर यहाँ पर भाई भर भर के पैसे हैं। अरे वाह यार सही है, वैसे इतनी सारी चीजें कहाँ से लाए यार? अबे मैंने सोच रखा था भाई कोई ना कोई तो मुझे बांधने के लिए राखी आएगा ही, इसलिए बहुत सारे गिफ्ट्स मैंने ऑलरेडी कलेक्ट कर रखे थे। और फिर इधर आ जाओ भाई, ये देखो गाइस सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट, जिसके अंदर है महंगी महंगी घड़ियां, महंगी महंगी अंगूठियां, और साथ में गाइस महंगे महंगे कान के टॉप्स, झुमके वगैरह। फिर इधर की साइड आ जाओ गाइस, ये देखो महंगे महंगे ब्रेसलेट्स, फिर उधर महंगी वॉचेस, इधर भी वॉचेस है, इधर भी महंगी वॉचेस है, इधर भी एक्सपेंसिव वॉचेस, इधर भी वॉचेस, देख रहे हो भाई तुम लोग। अरे हाँ यार वैसे ये सब कहाँ से लाए? काफी दिनों से मैं प्लानिंग कर रहा था आज के फेस्टिवल की, और फाइनली आज का वो त्योहार आ गया। और तुम लोगों को पता है ये त्योहार कितने ज्यादा दिनों बाद आया है? अरे हाँ यार होली के बाद सीधा भी आया है। वही तो भाई, और वैसे भी गाइस होली के बाद मतलब बीच में भी त्योहार आए, बट छोटे मोटे आए गाइस, और आगे वो चले गए, बट इतने ज्यादा दिनों बाद इतना बड़ा फेस्टिवल सेलिब्रेट करना तो बनता ही था। और ये लोग कहाँ चले गए? हेलो, अरे हम लोग ऊपर से आ रहे हैं यार, उधर रास्ता ही नहीं था। अरे ये लोग भी बिल्कुल ही अजीब है गाइस, ये देखो इधर से घूम के आ रहे हैं। अब आज तक कल हम भी आ रहे हैं यार, एक वो शिंचन उधर घूम रहा है, जल्दी आओ भाई नीचे। ऐसे अभी तो कोई आया नहीं राखी बांधने। कल यार मैं तो पहले ही कह रहा था कोई नहीं आने वाला, तेरे को राखी
राखी बांधने के लिए। और चुप हो जा बे चौप, तू तो नेगेटिव ही सोच रहा है यार, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। ऐसे गिफ्ट जरूर देंगे गाइस हम लोग सबको। वैसे इस वाली स्कूटी पे एक स्क्रैच आ गया, बट कोई बात नहीं, चलता है। एक आध स्क्रैच तो आते रहते हैं जिंदगी में। बाकी स्कूटी कौन सी बढ़िया लग रही है भाई पिंचन? अरे मैं बताऊ तो यार, ये डायमंड वाली बढ़िया लग रही है। ओके कोई आया भाई? अरे नहीं यार, मैं भी ऊपर देख कर आया, कोई भी नहीं आया है। अब आ जा कल, मैं कह रहा हूँ कोई नहीं आएगा। तू चुप हो जा चौप पे, बच्चे दिमाग खराब कर रहा है। सच में ही कोई नहीं आया यार मेरे को राखी बांधने के लिए। अरे वैसे तुम्हारी बहने नहीं है क्या? नहीं भाई कोई भी नहीं है मेरी रियल सिस्टर। तो देखते हैं गाइस कोई तो आएगा। हेलो, कोई भी नहीं आ रहा है यार। अरे मैं तो कहता हूँ यार, जब तक कोई आए तब तक हम लोग एक काम करते हैं, माइकल भैया के घर पे घूम के आते हैं। हाँ? अरे हाँ यार बिल्कुल। अच्छा अरे हाँ यार, चलो चलो मजा आएगा। माइकल के घर पे क्या घूम के आना है भाई? अरे ऐसे ही घूम कर आते हैं यार। अच्छा ठीक है भाई, जॉब तू भी चलेगा? भाई साहब नहीं यार, मेरे को नहीं जाना। भाई चलना मजा आएगा। नहीं नहीं मेरे को नहीं जाना यार, मेरे को यहीं पर बैठे रहना है यार, तू जा। ये अलग ही चौप है भाई, चलना भाई चौप। मैं कह रहा हूँ ना मेरे को नहीं जाना। ठीक है भाई तेरी मर्जी। चलो गाइस देखते हैं माइकल वाइकल की कोई बहन वहन आई है कि नहीं उसे राखी बांधने के लिए। माइकल तो बना ही रहा होगा ये वाला त्योहार। अरे चलो चलो, वैसे गाड़ी का क्या ही तुमने मस्त वाला कलर करवाया यार। बिल्कुल यूनिक कलर करवाया मैंने। वैसे भाई चौप तेरे पास लास्ट ऑप्शन है, दोबारा पूछ रहा हूँ, चलेगा हमारे संग? अरे यार ये नहीं जाने वाला, देख लेना। चौप भाई चलेगा तू? भाई साहब नहीं यार तू ज्यादा। ठीक है गाइस, चौप का बच्चा तो जाने के लिए रेडी ही नहीं है। कोई बात नहीं, हम लोग इसे यहीं पर छोड़कर चलते हैं फटाफट से माइकल के घर की तरफ। और काफी ज्यादा दिनों के बाद आज माइकल के घर पे जाना हो रहा है मेरा। चलो चलो, अरे पुलिस वाले भाई क्या कर रहे हो? अरे अरे चलो भाई जल्दी जल्दी। ओके लेट्स गो गाइस, फुल स्पीड में यहाँ पर लेफ्ट। ऐसे ये वाली गाड़ी को मैंने ओपी कलर करवाया है, और इसका जो सेकेंडरी कलर है यार वो देखो पूरा का पूरा डायमंड करवा रखा है, जो कि बहुत ही ज्यादा ओपी लग रहा है अपनी गाड़ी पे। बाकी यहाँ से मोड़ते हैं अपनी गाड़ी को, फिर आगे से लेफ्ट, और फिर आगे से एक ब्यूटीफुल राइट, और फिर सीधे। अरे चलो यार जल्दी जल्दी। हाँ भाई चल रहा हूँ चल रहा हूँ। ओके माइकल के घर वैसे हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे गाइस, यहीं पर तो है अपने घर के पीछे ही थोड़ा। देखते हैं माइकल मना रहा है कि नहीं राखी का फेस्टिवल। गाड़ी बहुत ड्रिफ्ट हो रही है अपनी। अरे संभाल के चलाओ यार। वैसे गाइस तुम लोग यार कमेंट में हैप्पी रक्षाबंधन जरूर लिखना। और गाइस वीडियो को लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो यार। हाँ गाइस जल्दी से जाकर यार वीडियो को लाइक करो, ताकि मेरी एक बहन तो आ जाए यार। अरे हाँ यार जल्दी से जाओ और वीडियो को लाइक करो। जितने तुम लोग लाइक करोगे शायद उतनी मेरे हाथों में राखियां हो। अरे हाँ यार बिल्कुल लाइक करो यार। इसलिए गाइस अभी कभी जाओ, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल वाला आइकन प्रेस करो। चलो माइकल के घर पे आ गए। माइकल कैसे हाल चाल है तेरे? ओ माइकल की एक गाड़ी बाहर खड़ी है, एक गाड़ी अंदर खड़ी है। यहाँ पर गाड़ी को रोकते हैं हम लोग, इसको पहली गाड़ी को रिवर्स कर लेता हूँ मैं, एक सेकेंड। ओके आराम से ओके। ये लो भाई गाड़ी अपनी घुमा ली है, चलते हैं अब माइकल के घर के अंदर। अरे यार चलो 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 गाइस। माइकल भाई, ओए माइकल, राखी सेलिब्रेट कर रहा है क्या भाई? हेलो ओ माइकल, एक तो ये माइकल सुनता नहीं है गाइस। एक काम करते हैं फटाफट से ऊपर चलते हैं, इसके घर के अंदर चलते हैं सबसे पहले तो। हेलो भाई माइकल, माइकल भाई है क्या ऊपर? ऊपर ही होता है ज्यादातर, ये ऊपर चलते हैं गाइस। ओ भाई साहब राखी सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग। फ्रैंकलिन तुम भी आओ। ओहो यहाँ पर जिमी ने गाइस पहली हाथ आगे कर रखे हैं। ये ट्रेसी बांध क्यों नहीं रही है इस राखी? क्या हो गया भाई माइकल? अरे यार एक्चुअली मैं ट्रेसी कह रही है कि ये गिफ्ट नहीं लाया है मेरे लिए पक्का, और जिमी कह रहा है कि मैं लाया हूँ लाया हूँ, इसलिए बेचारा कब से हाथ आगे करके लिए खड़ा है। लेकिन जो ट्रेसी है वो कह रही है कि मैं इसे गोल्ड की राखी बांधूंगी। सोने की राखी? बिल्कुल सोने की राखी। तो फिर भी बांध क्यों नहीं रही है? अरे सोने की राखी अभी तक आई नहीं है यार। अच्छा ये देखो भाई यहाँ पर अलग ही सीन है, इसे सोने की राखी बांधी अपने भाई को। अरे क्या ही करे अब इनकी पसंद भाई जो भी हो। चलो भाई मैं तो निकलता हूँ। वैसे तुम क्यों आए थे यहाँ पर? मैं बस ऐसे ही, मेरे को लगा तेरी बहन वहन आई होगी कोई तुझे राखी बांधने के लिए। नहीं नहीं मेरी कोई बहन नहीं है। अच्छा तेरा ही सेम ही हिसाब किताब है मेरे जैसा ही। अरे फेमे चलो यार। बाकी गाइस इनके घर में तो मस्त वाली राखी सेलिब्रेट हो रही है यार। अरे बस हमारे ही घर में नहीं हो रही यार। हाँ यार हम ही रह गए बस इस त्योहार से अलग। अरे हाँ यार अब चलो घर पे क्या ही कर सकते हैं। आ जाओ तुम लोग, कहाँ ही रह गए, बैठो गाड़ी में।
भाई साहब यार मेरे को पता है यार, इस कलुए को राखी बांधने के लिए कोई भी नहीं आने वाला, मेरे को ही कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, वरना बेचारे ने इतने सारे गिफ्ट कलेक्ट किए हैं यार गिफ्ट देने के लिए, मन टूट जाएगा। और वैसे भी इतने दिनों से इंतजार कर रहा था ये इस फेस्टिवल का, और कोई से राखी नहीं बांधने आएगा तो बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा यार इसे। मतलब अब मुझे ही कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। चलो यार कुछ भी हो, अब चलते हैं कलुए के लिए जुगाड़ करने के लिए। एक काम करता हूँ, शर्मा जी के यहाँ जाता हूँ। वैसे एक तो ये शर्मा जी सुनते तो है नहीं, बाहर भी नहीं आते ये कभी भी। छोड़े यार शर्मा जी को, आगे चलते हैं फटाफट से कलुए के लिए बैंड ढूंढने। किसी को तो पकड़ के लाना ही पड़ेगा जो उसे राखी बांध सके। चलो चलो यार चलो चलो। अरे यार आज तो कोई नजर ही नहीं आ रहा लॉस सैंटोस में, सिर्फ गाड़ियाँ चल रही है इधर से उधर। आगे से हट बे डॉगी। डॉगी बोलता है बेटा, तेरा पिछवाड़ा नोच लूंगा मैं। चलो यार आगे आगे, कोई भी नहीं नजर आ रहा है यार पूरे के पूरे लॉस सैंटोस में। कौन बांधेगा कलुए के राखी? ओ भाई यहाँ पर एक है। ओ हेलो आंटी जी। आंटी नजर आ रही हो? मतलब हेलो दीदी जी। हाँ बोलो, क्या है? ऐसे बोलने वाला कुत्ता? अरे यार फिर कुत्ता बोल दिया, चलो कोई नहीं। अरे वो एक्चुअली में मेरा एक दोस्त है कलुआ। कलुआ ये कैसे नाम है? मतलब कलुआ नाम नहीं है, मतलब नाम उसका फ्रैंकलिन है, लेकिन उसकी कोई बहन नहीं है। आप बांधोगी राखी उसे? ठीक है बांधूंगी राखी। चलो कौन? अच्छा वो फ्रैंकलिन जो आगे रहते हैं, फ्रैंकलिन क्लिंटन। हाँ हाँ वही वही फ्रैंकलिन क्लिंटन। अरे हाँ उसे तो मैं राखी बांधने ही वाली थी। तो आई क्यों नहीं अभी तक? अरे मैं शाम को आने वाली थी अपनी सहेलियों के संग। अच्छा सच में? हाँ हाँ शाम को आने वाली थी, मैं अभी जाती हूँ। जाओ 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 सहेलियों को लेकर जाना। और मेरी सहेलियों की जो सहेलियाँ वो भी आने वाली थी। अच्छा फिर तो ठीक ही है। और उनकी जो सहेलियाँ वो भी आने वाली थी। अरे फिर तो और बढ़िया है। और उनकी सहेलियों की सहेलियाँ भी आने वाली थी। अरे सबको ले आओ भाई, 100-150 लोगों को ले आओ। हाँ हाँ सबको लेकर आती हूँ मैं, अभी आधे घंटे में पहुँचती हूँ। पहुँचो पहुँचो पहुँचो। अरे भाई हो गया जुगाड़ हो गया। अब तो भाई साहब कलुआ पागल ही हो जाएगा राखी बंधवाते। पहले उसके लिए एक बहन नहीं आ रही थी, अब देखो भाई मैंने तो बहनों की लाइन ही लगा दी उसके लिए। अब देखो भाई कलुआ कैसे खुश हो जाएगा यार, बल्कि खुशी के मारे रोने लग जाएगा, पूरे हाथ भर जाएगा उसके राखी से। अभी मजा आएगा। चलो चलो मैं जाकर शांति से बैठ जाता हूँ अपने घर पे, और कलुआ आएगा तो उसका रिएक्शन देखेंगे हम लोग। थोड़ी ही देर में शाम भी हो जाएगी। अरे हाँ यार और फिर रात भी हो जाएगी, और तुम्हें कोई भी अभी तक राखी बांधने के लिए नहीं आया। हाँ भाई क्या ही कर सकते हैं, लगता है गाइस अपनी किस्मत में भाई ये राखी वाला फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है ही नहीं। सारे इतने सारे जो गिफ्ट मैंने कलेक्ट किए थे सब वेस्ट हो गए, और इतने दिनों से वेट कर रहे थे यार, वो वेट भी खत्म हो गया। हाँ गाइस कुछ भी फायदा नहीं हुआ इतने दिनों से इंतजार करने का। चलो घर की तरफ, अब क्या ही कर सकते हैं, जाकर खाते हैं पीते हैं और सो जाएंगे आज जल्दी। अरे हाँ यार ठीक है चलो चलो। ओके गाइस यहाँ पर फिलहाल आगे से लेफ्ट लेते हैं और जल्दी से चलते हैं। वैसे आज भाई सारे लॉस सैंटोस में लोग भाई राखी सेलिब्रेट कर रहे हैं। अरे तुम ही नहीं कर रहे बस। हाँ कोई बात नहीं भाई, अब चलते हैं घर पे फटाफट से, और शाम वैसे होने ही वाली है। गाइस कितने बजे हैं? ओहो 2 बज गए अभी, मतलब अभी तो टाइम है शाम होने में। चलो कोई नहीं चलते हैं अभी फटाफट से, फाइनली घर की तरफ हम लोग पहुंचने वाले हैं। और भाई कुछ भी कहो ये वाली गाड़ी फास्ट तो है, और ये भीड़ क्यों लगी है भाई? अरे हाँ यार वो भी इतनी ज्यादा लंबी लाइन। हाँ इतनी ज्यादा लंबी क्यों लाइन लगी है हमारे घर के आगे? अरे पता नहीं यार क्या सीन हो गया भाई। हेलो इतनी लंबी लाइन क्यों लगी है? ओ बोरा चौप भाई, चौप क्या हो गया ये? भाई साहब कल ये लाइन तेरे लिए लगी है भाई। मेरे लिए? बिल्कुल भाई राखी बांधने के लिए तेरे को। क्या बात कर रहा है? मैं बिल्कुल भाई। इतनी लंबी लाइन? मैं बिल्कुल भाई। अरे हाँ हाँ हम तुम्हें राखी बांधने के लिए यहाँ आए। इतनी ज्यादा लोग? ओ भाई साहब ये देखो गाइस इतने सारे लोग भाई मेरे को राखी बांधने के लिए आए हैं। अरे फैमिली देखो यार। ओ तेरी, ओए फाइनली मैं मतलब आज मैं सेलिब्रेट कर पाऊंगा। अरे बिल्कुल यार। ओ फिर देर किस बात की, चलो गाइस यहाँ पर राखी हम लोग भी सेलिब्रेट करते हैं और राखियां बंधवाना शुरू करते हैं। लेकिन ये सब हुआ कैसे भाई साहब? हुआ कलुआ बाद में, लंबी कहानी है, कभी फुर्सत में सुनाऊंगा मैं तुझे। अच्छा ठीक है भाई, लो लो भाई राखी बांधो फटाफट से। अरे हाथ तो आगे करो यार। लेकिन हाथ आगे क्या करने का फायदा? अरे क्यों यार? क्योंकि मैंने फुल स्लीव टी शर्ट पहन रखी है। अरे हाँ यार इस पर राखी बंधवाओगे
लोगे कहाँ? एक काम करते हैं गाइस, हाफ टी शर्ट पहन कर आते हैं फटाफट से। ये फुल स्लीव टी शर्ट की यही तो दिक्कत है भाई, इस पे राख ही नहीं बनवा सकते हैं ढंग से। फटाफट से हाफ टी शर्ट पहन कर आता हूँ भाई। जो विश मैं इतने दिनों से लेकर घूम रहा था आज लगता है पूरी हो जाने वाली, और ये मैं अटक क्यों रहा हूँ भाई अपने घर में। एक सेकेंड भाई, यहाँ से चलते हैं, लेट्स गो। मेरी हाफ टी शर्ट निकालो भाई, ये तो रही, एक पहन लेता हूँ इनमें से। लो लो राखी बांधो, राखी बांधो। ठीक है अभी बांधती हूँ। अरे भाई मैं गिफ्ट तो लाकर दे दो यार। अबे हाँ हाँ हट जाओ तुम लोग। चलो चलो गाइस अभी लेकर आते हैं फटाफट से गिफ्ट। इतने सारे गिफ्ट मैंने कलेक्ट कर रखे थे आखिर इसी दिन के लिए तो। ओके इस पिंक वाली स्कूटी को लेकर चलते हैं फटाफट से बाहर की साइड। यही होगा सबसे पहली बहन के लिए सबसे पहला गिफ्ट। आराम से भाई आराम से, और ये निकल गई आराम से, ये लेकर आ गया। ओके आ गया मैं। ये लो बहन मेरी तरफ से गिफ्ट। अरे इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत है ना भाई स्कूटी, जरूरत है। अरे स्कूटी गिर गई सॉरी। और आखिर बंद भाई गिफ्ट तो देना बनता ही है। ये लो ये लो ये लो। अरे थैंक यू। कोई बात नहीं होता है होता है। बाय 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 बाय, अगली बार जरूर आना। ठीक है अगली बार जरूर आऊंगी। अरे वाह सही है, मेरी सारी सहेलियां भी आज राखी बांधने की मजा आ गया। अरे हमें भी राखी बांधने का मौका चाहिए। हाँ हाँ एक सेकंड भाई, राखी नहीं देखोगे मेरी? अरे दिखाओ तो सही यार एक बार। ये देखो बनवा तो रखी है मैंने। अरे हाँ यार राखी तो बढ़िया लग रही है। और अभी दूसरे वाले हाथ में भी बनवा लिए मैंने। अरे वाह यार ये वाली राखी भी खूबसूरत लग रही है यार। ये वाली राखी बिल्कुल घड़ी वाले स्टाइल की राखी है गाइस, बट कुछ भी कहो भाई बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लगी है। तुम लोग बताओ गाइस, तुम लोग कमेंट में कौन सी राखी ज्यादा बढ़िया लग रही है, ये वाली या फिर ये वाली? अरे बाकी बहनों से तो बनवाओ यार। हाँ अभी बनवाता हूँ भाई, दूसरी राखी बनवाते हैं गाइस फटाफट से। ओके बहन बांधो फटाफट। अरे अब दूसरा गिफ्ट लाओ यार। हाँ हाँ अभी लाता हूँ भाई दूसरा गिफ्ट। ओके लेट्स गो। ओके 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 दूसरा गिफ्ट, ये व्हाइट वाली स्कूटी तो लेकर चलते हैं गाइस फटाफट से बाहर की साइड, और आराम से लेकर चलते हैं भाई। ले जाने में स्क्रैचेस ज्यादा आ रहे, इधर रैंप लगवा लेना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, फटाफट से चलते हैं ऊपर की साइड, और ये पहुंच गए। ये लो बहन तुम्हारे लिए गिफ्ट मेरी तरफ से। सुबह से गाइस को ये एक राखी नहीं बांध रहा था, और भाई साहब अभी तो लाइन लगी पड़ी है। अरे तुम्हारे गिफ्ट खत्म हो जाएगा लेकिन बहने नहीं। सही कह रहा भाई, आज तो मजा ही आ गया। मैं इनको गिफ्ट देता हूँ एक मस्त वाली बाइक, सबको मैं स्कूटी दे रहा हूँ, इनको मेरी तरफ से बाइक देते हैं गाइस। लेट्स गो। ये वाली येलो वाली पर्पल वाली, पर्पल वाली देते हैं, पर्पल ज्यादा बढ़िया लग रही है। या येलो वाली स्कूटी, नहीं 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 स्कूटी तो भाई बहुतों को दे दिया मैंने, भाई बाइक देते हैं भाई, मैं खुश हो जाएंगी ये वाली बहन। ओके लेट्स गो। आराम से भाई आराम से, वैसे आज कुछ ज्यादा ही धूप नहीं हो रही भाई राखी वाले दिन ही? अरे हाँ यार धूप तो भर भर के हो रही है। वैसे एक सेकंड भाई मिठाई रह गई यार राखी में। अरे हाँ मिठाई तो हम ला रहे भूल गए। ओ भाई साहब बिना मिठाई की राखी? अरे रुको यार मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ। जल्दी जा लेकर आ। अरे लो यार मिठाई की लाइन लगा दी मैंने। ओ भाई साहब ये शिनचैन तो भाई सुपर फास्ट है, इतनी ज्यादा जल्दी मिठाई लेकर आ गया। चलो ठीक है, चलो भाई इनसे भी मैंने राखी बनवा ली है, और अभी फटाफट से इनके लिए भी गिफ्ट लेकर आते हैं अंदर से। और वैसे तुम लोग गाइस एक बार टाइम देखो भाई, बहुत ज्यादा शाम हो चुकी है, और मैं सोच रहा था कि कोई ना कोई तो राखी बांधने के लिए मेरी बहन आएगी, बट यहाँ पर तुम लोग देखो भाई इतनी ज्यादा लाइन लग गई है, मजा ही आ गया है। इतनी तगड़ी राखी तो मैंने आज तक कभी सेलिब्रेट ही नहीं की है, और पता नहीं है किसकी वजह से हुआ है। खैर जिसकी वजह से हुआ वो बढ़िया है गाइस। ओके ये लो बहन मेरी तरफ से गिफ्ट, डायमंड की स्कूटी। अब मैं एक काम करता हूँ, महंगी महंगी वॉचेस दूंगा मैं सबको। पांच बहनें और रह गई हैं मेरी, फटाफट से लेकर आते हैं। शायद अपने अंदर के सारे गिफ्ट भी खत्म होने वाले हैं, दूंगा मैं क्या अब? एक सेकंड राखी तो बनवा रहा हूँ मैं। अरे घड़ियां तो हैं अभी, घड़ी तो है गाइस, लेकर चलते हैं फटाफट से घड़ी। वैसे तो हम लोग सोच रहे कि भाई घड़ी कितनी महंगी होगी, जरा सी तो महंगी है भाई, घड़ी बहुत बढ़िया वाली है ये, एकदम तगड़े लेवल वाली खड़ी भी। और वैसे भी गिफ्ट गाइस छोटा भी या बड़ा नहीं होता, गिफ्ट तो भाई मन से दिया जाता है। और ये अपनी लास्ट बहन से मैंने राखी बंधवा ली है, और फटाफट से गिफ्ट लेकर आते हैं। अरे यार तुम सारे गिफ्ट एक ही बार में बाहर लेकर आ जाते ना। कोई बात नहीं भाई अब हो तो गया बस। के इधर तो कुछ भी नहीं है, इधर भी नहीं है भाई साहब, सब खत्म, अब क्या गिफ्ट दूं मैं? अरे यार क्या हो गया? कुछ नहीं भाई कुछ नहीं, क्या गिफ्ट दूं? वैसे भी गाइस गिफ्ट तो छोटा या बड़ा नहीं होता, मेरे पास आइडिया है, मैं अपना ये बढ़िया वाला गिटार गिफ्ट कर देता हूँ। हाँ यही सही रहेगा।
चलो गाइस यहाँ पर मैंने गिटार ले लिया है, अभी फटाफट से बाहर चलते हैं। ओके लेट्स गो। चलो आ गया, ये लो मेरी तरफ से बढ़िया वाला गिटार। अरे मुझे इसकी जरूरत नहीं है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये तो गिफ्ट है बढ़िया वाला, और मिठाई भी खिलाते मुझे फटाफट से। तो गाइस यहाँ पर मैंने यार फाइनली अपनी सारी बहनों से राखी बंधवा ली है। अरे हाँ यार बिल्कुल सही कह रहे हो। और गाइस यहाँ पर मजा ही आ गया, लेकिन ये सब हुआ कैसे? भाई साहब ये सब मेरी वजह से हुआ है। हैं ये कैसे भाई? अबे यार तू भाई बहुत ही ज्यादा उदास लग रहा था, इतने सारे तूने गिफ्ट भी कलेक्ट कर लिए थे, इतने दिनों से इंतजार कर रहा था, और मेरे से ये सब सहन नहीं हो रहा था यार, इसलिए मैं गया इधर चार पांच घर छोड़ के, एक रहती नहीं है तो उनके पास गया। मैंने कहा कि भाई फ्रैंकलिन की कोई बहन नहीं आ रही है, आप राखी बांध दो, तो वो अपनी सारी सहेलियों को लेकर आ गई, और फिर वो उनकी सहेलियों को और उनकी सहेलियों को और उनकी सहेलियों को ऐसी बहुत सारी आ गई। वो तेरी और इतनी सारी मेरी बहनें बन गई। बिल्कुल भाई तू ही तो रो रहा था, अब खुश? बिल्कुल खुश, मजा ही आ गया। अरे फैमिली इस बार तो तुमने राखी जैसी सेलिब्रेट करी है कभी नहीं करी होगी। मैं कभी सपने में भी नहीं करी होगी भाई, जितने बेहतरीन तरीके से मैंने इस बार सेलिब्रेट करी है, मजा ही आ गया गाइस लिटरली में। फिलहाल तो गाइस तुम लोग आज की ये वाली वीडियो बढ़िया लगे तो फटाफट से जाकर वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। हाँ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन याद से ऑन कर देना, और मेरी तरफ से गाइस वंस अगेन तुम लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।